लोकसभा निर्वाचन के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 19 मई को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित 1764 बूथों पर मतदान होगा। हमीरपुर जिले में 528 मतदान केंद्र, बिलासपुर में 414 जबकि ऊना जिले में 512 मतदान केंद्र हैं, जबकि 23 मई को ईवीएम से मतों की गणना होगी। उधर हमीरपुर डिपो की 81 बसें मतदान पार्टियों को पोलिंग बूथों पर छोड़ने के लिए रवाना हुई, इस कारण कई लोकल रूट रद्द करने पड़े। 19 मई को भी परिवहन निगम की 81 बसें मतदान पार्टियों को पोलिंग बूथों से वापस हमीरपुर स्थित स्ट्रांग रूम तक लाने के लिए तैनात रहेंगी। जानकारी के अनुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए हमीरपुर जिला में 1351 जवानों की तैनाती की गई है। इसके तहत 26 CRPF, 84 कर्नाटक पुलिस, 291 स्टेट फोर्स, 250 जिला पुलिस तथा 640 होमगार्ड व हरियाणा की फोर्स तैनात रहेगी। SDM हमीरपुर शशिपाल नेगी ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान के लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। इंटरनेट सोशल मीडिया की दुनिया में डिजिटल बाबा नाम से मशहूर युवा संत स्वामी रामशंकर हिमाचल प्रदेश में युवा मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए पिछले 1.5 माह से लोगों के बीच जा जाकर कॉलेज में, गांव में, बस अड्डे पर चलती बस में लोगों को मतदान के महत्व को समझा रहे हैं। विशेषकर पहली बार वोट करने वाले उन युवाओं को जो उम्र के अनुसार पात्र तो हैं पर मतदाता सूची में नाम दर्ज ही नहीं है, ऐसे युवा मतदाताओं से मतदान हेतु मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने वो मतदान में भाग लेने के लिए डिजिटल बाबा उन्हें प्रेरित करते रहे हैं। आज बैजनाथ मंदिर परिसर से फेसबुक लाइव के माध्यम से आखिरी बार युवाओं को संबोधित करते हुए डिजिटल बाबा ने कहा कि हमारे संविधान द्वारा हमें प्राप्त मतदान का अधिकार हमारे विकास के साथ समाज व राष्ट्र के विकास में भी अहम योगदान निभाता है, इसलिए मतदान अवश्य करें। अपने लिए सही जन प्रतिनिधि का चुनाव कर लोकतंत्र के महापर्व में युवा वर्ग सहभागी बने। मतदान अपने विवेक से करें, किसी के बहकावे में आकर ना करें। डिजिटल बाबा ने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम 32 वर्ष की आयु में पहली बार मतदान करेंगे। संन्यास जीवन में पिछले 10 वर्षों तक लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में विद्या अर्जन करने हेतु रहने के कारण मतदान नहीं कर सका। डिजिटल बाबा ने पिछले 2.5 वर्षों से बैजनाथ स्थित नागेश्वर मंदिर में रहकर आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, जहाँ बच्चों को प्रत्येक रविवार निःशुल्क योग, सनातन वैदिक ज्ञान संस्कार, बच्चों में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यशाला का आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से तमाम बच्चों को लाभ प्राप्त हो रहा है। स्वामी रामशंकर कहते हैं, समाज तभी सुंदर होगा जब बच्चों का व्यक्तित्व मनमोहक होगा, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं।